दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे परपेक्चुअल प्रोटोकॉल के PERP क्वाइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल्स, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में इस क्वाइन के टारगेट्स क्या रहेंगे। करंटली क्वाइन 1.37 USD पर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छे डाउन ट्रेंड, एक अच्छे डिप के अंदर इस क्वाइन की प्राइस हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर रिसेंट ब्रेकआउट के बाद से एक अच्छे स्टेबिलिटी इस लेवल पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर एक अच्छा पोस्ट इस क्वाइन के अंदर निकल के आ रही है। जो भी इस क्वाइन में एंट्री देख रहे हैं उनके लिए बात करें कौन सा आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों में क्वाइन के टारगेट्स का रहेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले, जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके, क्रिप्टो क्वेरीज, अपडेटेड लेवल, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड क्विक अपडेट्स और न्यूज शेयर की जाती है। करेंटली 1.37 पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। 1.5 USD वाला लेवल अभी इस कॉइन ने ट्राई किया और 1.3 से लेके 1.5 के बीच में हमें इसकी प्राइस में पिछले 2-3 दिनों से फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है, जहां पर रिसेंटली जो इस कॉइन ने BTC की फ्लक्चुएशन में 1.09 वाला लो बनाया था, वहां से अच्छा खासा रिकवर करके और अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला, जहां रिसेंटली 1.59 USD वाला लेवल इस कॉइन ने हिट किया था। डेली का चार्ट ओपन करें तो जनवरी के स्टार्टिंग में एक बड़ा ब्रेकआउट इसकी प्राइस में देखने को मिला था, जहां पर 2.2 USD तक इसकी प्राइस गई थी। वहां से फिर बिटकॉइन में फ्लक्चुएशन हुआ उसके नेक्स्ट डे, जिसमें इसकी प्राइस में भी अच्छा खासा डंप देखने को मिला और सडनली इस कॉइन ने यहां ड्रॉप लिया था और उसके बाद से वापस मूव करके 2 USD तक ही प्राइस चली गई थी। फिर बैक टू बैक हमें ड्रॉप देखने को मिला और 1.09 USD तक का लो बनाया था, जहाँ पर हम 2 जनवरी को 1.9 और 2 USD तक एग्जिट हुए थे। वहाँ हमने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया, 2 USD तक मैक्सिमम लेवल्स हमने आपको बताए थे। और उसके बाद जब ये सडन डंप हुआ था, इस डंप में हमने आपको एंट्री भी शेयर की थी और वो एंट्री थी हमारी 1 USD के राउंड में, 1.2-1.1 USD के राउंड में, जहां आपने रिसेंटली बाई किया होगा और वापस से इस कॉइन ने यहां जो मूव लिया था, इस मूवमेंट में हमने वापस से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया, जहां पर मैंने क्विक टारगेट रिसेंट अभी जो मूवमेंट हो रहा था उसमें 1.4 और 1.5 USD तक का बताया था, जहां इस कॉइन ने हिट किया और अभी आपके पोर्टफोलियो में अगर होल्ड है तो भी प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। ये तो सिर्फ अभी 2-4-8 दिन की बात है जब से ये कॉइन ने ये वाला मूव स्टार्ट किया है। जब ये वाले लेवल्स पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा था, जहां नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ में 0.5060 से नीचे ट्रेड कर रहा था, वहां पर हमने इस कॉइन में दिसंबर मंथ में हमारी जो लेटेस्ट एंट्री की अगर बात करें तो वो अक्टूबर मंथ का राउंड शायद यहाँ पर अक्टूबर मंथ में, जब यहाँ इस कॉइन ने 1.32 वाला लेवल से ड्रॉप लिया था, वहाँ हमने 0.53 और 50 पर बाई किया था। और वहाँ से जिन्होंने भी होल्ड किया हुआ 2 महीने, 4 महीने के परस्पेक्टिव से, 1 ईयर के परस्पेक्टिव से होल्ड किया हुआ है, उनके पोर्टफोलियो में 150% से ज़्यादा का प्रॉफिट होगा। साथ के साथ में जो 2 USD तक प्राइस गई थी वहाँ पर भी आपने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। यहां 1.3 इस कॉइन के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था, जहां से बार बार इस कॉइन को रिजेक्शन फेस करने को मिल रहा था। यहां 1.32 तक ट्राई किया, इसके बाद यहां बीच में भी इस कॉइन ने ऊपर वाले लेवल्स को ट्राई किया था लेकिन रिजेक्शन फेस करने को मिला। अभी डेली के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 1.45 USD वाला जो लेवल है वो डेली के अंदर इस कॉइन को इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ से इसको बार बार रिजेक्शन फेस करने को मिल रहा। अभी पिछले 7-8 दिनों से जब ये ट्राई कर रहा है, 2-3 बार उस लेवल से ऊपर ट्राई किया लेकिन रिजेक्शन फेस करने को मिल रहा। साथ के साथ में नीचे की तरफ 1.18 एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया डेली के अंदर, जहाँ पर इस कॉइन ने एक अच्छी स्टेबिलिटी मेंटेन की हुई है प्रीवियस ब्रेकआउट के बाद से, जब डंप ला उसके बाद से। वीकली में बात करें तो वीकली में इस कॉइन को 1.3 USD वाला जो लेवल है वो प्रीवियसली रेजिस्टेंस लेवल था, लेकिन अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला जिसमें 1.3 को ब्रेक कर दिया और 1.3 USD वाला जो लेवल है वो अभी वीकली के अंदर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और पिछले वीक की क्लोजिंग जो हुई
प्रीवियसली जब 2.2 वाला लेवल इस कॉइन ने ट्राई किया था तब वीकली क्लोजिंग तो अच्छे खासे लेवल पर नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट वीक में यानी अभी जो प्रीवियस वीक गए इसमें इस कॉइन ने 1.3 के अराउंड, 1.32 1.34 के अराउंड ही क्लोज किया है, जिससे ऊपर अभी ये कॉइन ट्रेड भी कर रहा है और उस लेवल को मेंटेन किया हुआ है। 1.33 के बाद में ऊपर की तरफ 1.7 USD वाला इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक उस लेवल को क्रॉस नहीं करता वापस से कॉइन 2 USD या उससे ऊपर वाले लेवल को ट्राई नहीं करेगा। अब बात करते हैं एंट्री की, जिन्होंने प्रीवियस लेवल्स पर एंट्री मिस की है, इन इस डिप के अंदर मिस की है या यहाँ मिस की है, वो एंट्री अगर देख रहे हैं तो अभी बहुत अच्छा लेवल तो नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा लेवल है, बहुत सेफ लेवल है, पर यह है कि यहाँ से BTC मूव करेगा, BTC वापस अपनी रैली को कंटिन्यू करेगा, 44,000-45,000 को ट्राई करेगा, तो ये कॉइन भी आपको 1.6-1.7 से ऊपर या उसके अराउंड ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। तो BTC के मूवमेंट के साथ में, मार्केट के मूवमेंट के साथ में इस कॉइन में आपका एक अच्छा लेवल रहेगा जहां से आप क्विक प्रॉफिट जनरेट करेंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो 1.3 USD पर आपको फर्स्ट एंट्री लेनी है, अभी 1.37 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पर आपको फर्स्ट एंट्री 1.3 USD पर 70% पार्ट से लेनी है, जो भी अमाउंट आप इस कॉइन में लगाना चाहते हैं उसके 70% पार्ट से। सेकंड लेवल रहेगा 1.15 USD वाला लेवल, जहाँ पर आपको बाकी 30% पार्ट से एंट्री लेनी है, इस टाइप से 70-30 के रेशो में 1.3 और 1.15 पर एंट्री लेनी है। ध्यान रखना है कि 1.15 पर भी आपको सेकंड लेवल की एंट्री लगानी, ये नहीं करना कि एक ही लेवल 1.3 पर ही पूरी कैपिटल लगा दी। फर्स्टली डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखना है और जो अमाउंट इस कॉइन में लगाएंगे उसको भी दो पार्ट में, जो आप DCA बोलते हैं, मेरे पास कमेंट आते हैं सर इस कॉइन में DCA कर ले, तो उस DCA को एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ ही DCA करना है, ये नहीं कि पूरी कैपिटल को ही 3-4 जगह लगा दिया है एक ही कॉइन में, जैसे गिरता जा रहा बाय करते जा रहा है पूरी कैपिटल स्टक कर दे, ये नहीं करना है। टारगेट्स की अगर बात करें तो यहाँ से जैसे ही मूव करेगा 1.5 को इजीली ट्राई करेगा और उससे ऊपर वाले लेवल को 1.45 से जैसे ही ऊपर डेली क्लोजिंग करता है तो फिर 1.7-1.8 को ट्राई करेगा। तो यहाँ से क्विक टारगेट इस कॉइन के लिए 1.6 USD वाला फर्स्ट टारगेट और 1.8 USD वाला सेकंड टारगेट रहेगा और 2 USD वाला शॉर्ट टर्म में टारगेट रखेंगे। 1.6 और 1.8 पर आपको 60-40 के रेशियो में सेल करना है और शॉर्ट टर्म वाले जो है वो 2 USD का टारगेट रखेंगे, जहां पर 100% पार्ट सेल आउट करना है, इस टाइप से इन लेवल्स पर आपको सेल करना है। आपने अगर इस कॉइन को ऊपर वाले लेवल पर बाई किया हुआ है जल्दीबाजी में, रिसेंट ब्रेकआउट में या डंप में, तो अपनी बाइंग प्राइस पर, अगर आपकी बाइंग प्राइस 1.6 से ऊपर की है तो बाइंग प्राइस पर सेल लिमिट लगा करके रिकवरी पर फोकस करें। इसके अलावा जो भी नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें, वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, क्रिप्टो क्वारीज अपडेटेड लेवल सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हो, इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर भी आपको रेगुलर अपडेट्स, न्यूज़ वगैरह शेयर की जाती है, उसे भी ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।